आ जाए भाई, खाना लग गया है। हाँ हाँ बस आ गया भाई। देखना बेटा भाईजान कहाँ है। जी मामू, मामू, मामू। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में बेटा? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, जीती रहो। हाँ तुम यूनिवर्सिटी में टॉप करो या सारे मुल्क में, शादी के बाद तो घर जाकर चूल्हा हांडी करोगी ना। कल किसने देखी है मुमानी, हो सकता है मैं चूल्हा हांडी ना करूं बल्कि किसी दफ्तर की कुर्सी में बैठकर कलम चलाऊं। अच्छा तो नौकरी करने का सोच लिया है तुमने? सिर्फ सोचा ही नहीं है बल्कि इरादा भी कर लिया और अप्लाई भी है। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं अपनी भांजी की बातें? ये दफ्तरों में नौकरी करेगी जाकर पराए मर्दों के साथ। हाँ, ये अजरा फातिमा क्या कह रही है इसे समझाओ। पराए मर्दों में जाके काम करेगी, खानदान की इज्जत का क्या बनेगा? तो फौरन तुम इसकी शादी करवाओ। अब जी भाईजान, अब मैं करती हूँ, चलो बेटा। हाँ हाँ जाओ, लेकिन अपने भाई की बात याद रखना, अगर कुछ भी इसके बरखिलाफ हुआ ना तो हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी बदनामियाँ। आप कैसी बातें कर रही हैं, नौकरी करने में कैसी। बस चलो हाँ समझा देना जरा ठीक से। तो ऐसे हादी होगी भाई, खैर आप बैठे। हाँ पर ये तो, अरे भाई खाने के बाद देखेंगे। अच्छा बेटा रेहान ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? अभी टाइम है अबू। भाई वो कल फातिमा आई थी, उसने बताया कि उसने टॉप किया है, मिठाई लेकर आई थी। उसने कहा और आपने मान लिया, एक नंबर की झूठी है वो, सिर्फ पास हुई है। जी बिल्कुल, अजरा की आदत है खामखा अपनी बेटियों के कारनामे बड़ा चढ़ाकर बयान करती है सिर्फ मेरे बेटों को नीचा दिखाने के लिए। क्या हो गया शाइना, भला हमारे बेटों और उसकी बेटियों का क्या मुकाबला? मैंने तो कई बार अजरा को कहा है कि उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाने के बजाय उनकी शादियों पे खर्च करें ताकि आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख कर रख लें कि अपनी बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी आपके सर डालेगी। अरे भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, घर में रख लिया क्या काफी नहीं है? अबू मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आती, आप इन लोगों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इनको आप एक बार बाहर निकालें तब इनको पता चलेगा कि मकान का किराया कैसे देते हैं और बेटियों की शादी कैसे करवाते हैं। बेटा तुम्हारे मरहूम दादा की वसीयत के मुताबिक उनका जायदाद में हिस्सा है। अबू दादा को गुजरे हुए बरसों गुजर चुके हैं, किसको क्या पता उनकी वसीयत का। जी यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मगर सुनते ही नहीं है मेरी। अच्छा भाई चाय पिलाओ, खुद पकड़ ली तुमने। हाँ दे रही हूँ। मिला अच्छे अच्छे। ना खुद कुछ बोलती हैं और ना ही हमें बोलने देती हैं आप। वक्त का तकाजा यही है बेटा। कैसा वक्त अम्मी, हम उनके मोहताज हैं क्या? हाँ हम उनके मोहताज हैं क्योंकि हमें सरपरस्ती चाहिए उनकी, और सरपरस्ती सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, किसी मर्द का हाथ सर पर होना भी सरपरस्ती ही होता है। लेकिन मामू ने हमारे सरों पे हाथ कब रखा है अम्मी? हाथ ना भी रखा हो मगर साथ तो दिया है ना, कम से कम दुनिया को ये तो पता है कि मैं उनकी बहन। तुम लोगों को क्या बताऊं, मैंने सारी जवानी अकेले बेवकी में कैसे गुजारती, घर से बाहर निकलती थी तो लोग अजीब नजरों से देखते थे, आवाजें कसते थे, रास्ता रोकते थे, जॉब की कोशिश की तो वहां भी यही सब कुछ था। फिर ये सारी बातें तुम्हारे नाना अब्बू को पता चल गई, वो मुझे किराए के घर से उठाकर यहाँ ले आए और भाईजान को कहा कि अब ये यहीं रहेगी।